बॉडी पे ये फूले हुए मसल्स और दिमाग में प्योर चर्बी, यही हाल है आजकल के मैक्सिमम जिम बॉयज का। मतलब जिम जाने वाले लड़के, ये जो जिम बॉयज हैं, इनके पास बॉडी बनाने के अलावा कोई पर्सनालिटी है कि नहीं? नहीं मतलब मुझे एक बात बताओ, इन लड़कों को चाहिए क्या? अगर रेस्टोरेंट का बिल आधा आधा पे करो तो इनकी मेल ईगो हट हो जाती है, और अगर ना दो तो हम लड़कियां तो कंजूस हैं, पैसों पे मरती हैं, गोल्ड डिगर हैं। हर वक्त इनके अंदर के मैन चाइल्ड को वैलिडेशन दो, और उसके बाद क्या मिलता है हमें? ट्रॉमा। हाय बोलने का आज मेरा मूड नहीं है, क्योंकि दिमाग का दही नहीं रायता बना दिया है इन लोगों ने। बस ये जान लो दैट यू आर वॉचिंग अनकट, और इस प्रोटीन शेक वाले चोर की वीडियो को पूरा जरूर देखना। रिसेंटली आई एक न्यूज के मुताबिक अशोक नगर में रहने वाले एक लड़के ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फेक अकाउंट बना के उसको उसकी प्राइवेट फोटोज लीक करने की धमकी दी थी। जब ये कंप्लेंट साइबर पुलिस स्टेशन में रिसीव हुई थ्रू द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, द अथॉरिटीज इमीडिएटली अरेस्टेड द अक्यूज्ड, और उनसे पूछताछ के बाद ये सामने आया कि गोविंद, जो कि 22 साल के हैं, उन्होंने अंश शर्मा के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया और वो काफी समय से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहे थे। For what? Money. और जानते हैं कि वो ये पैसा कहाँ यूज करने वाले थे? अपने प्रोटीन शेक खरीदने के लिए। भाई सबसे पहले तो इनकी जिम मेंबरशिप बंद करवाओ। यूजुअली ऐसे केसेस में विक्टिम्स जो होते हैं वो डर के मारे अपने ब्लैकमेलर को पैसा दे देते हैं। सोसाइटी के जजमेंट्स के डर के कारण ये विक्टिम्स अक्सर अपनी जान तक लेने जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं इन ऑर्डर टू एस्केप देयर सिचुएशन। अगर आप गूगल पे जाके ऐसे ब्लैकमेलिंग के केसेस सर्च करेंगे तो आपको हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, मगर इस क्राइम से रिलेटेड अभी तक कोई भी डेफिनेट डेटा रिलीज नहीं हुआ है। सोशल मीडिया जैसे फास्ट एक्सचेंज वर्ल्ड के चलते फेक आईडीज बनाना और एक स्क्रीन के पीछे बैठ के लोगों को हरास करना और भी आसान हो गया है। अब ऐसे में इस केस का सामने आना हमें ये सीख देता है कि अगर आपको आपकी पिक्चर्स के लिए कोई थ्रेटन कर रहा है तो सही ऑप्शन डर के चुप बैठने का नहीं, बल्कि ऐसे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट आवाज उठाने का है। थैंक्स टू आवर साइबर क्राइम पोर्टल जो एक्टिवली इन कंप्लेंट्स पे काम करके लोगों को इस ब्लैकमेल के स्कैम से बचा रहा है। हमारे देश में बच्चे अपने लव इंटरेस्ट और रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करने से डरते हैं, इसलिए जब चीज़ें नॉर्थ से साउथ चली जाती हैं तो वो अकेले इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। देयरफॉर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सिचुएशंस में अपने बच्चों का साथ दें और उन्हें सेफ सेक्सटिंग या सेक्स एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स पर एजुकेट करें। रिलेशनशिप में इंटीमेसी एक्सप्लोर करना कोई गलत बात नहीं है, और अगर आपको कोई आपकी पिक्चर्स को लेके हरास कर रहा है देन मेक श्योर कि आप पुलिस कंप्लेन जरूर फाइल करें। तब तक के लिए वो लड़के जो अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकते, कृपया अपनी बॉडी की जगह अपना दिमाग बढ़ाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू सब्सक्राइब टू अनकट।